हेलो गाइज, कितना फिर वधिया सारे, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। तो आज फिलहाल हम जो है वापसी कर रहे थे अपने घर की ओर, तो मैं सोचा क्यों ना जाने से पहले आपको एक बार जो है आर डी भाई की मारुति यहाँ पे पूरे अच्छे से दिखा दूँ कि क्या खास है इसमें और कैसे ये जो है इतनी बढ़िया ऑफ रोडिंग यहाँ पर कर पाती है। तो बाकी वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक, क्योंकि इस वीडियो में आपको जो है काफ़ी अच्छी चीज़ें पता चलने वाली हैं कि कैसे आप जो है, अगर आपके पास भी मारुति है तो उसे कैसे अपग्रेड करवा सकते हो एंड क्या क्या चीज़ें उसमें बेस्ट रहेंगी जो मारुति को एकदम प्रॉपरली जो है ऑफ रोडिंग के लिए भी बेस्ट बना देंगी। तो चलिए बाकी जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी बिग थैंक्स टू आर डी ब्लॉग्स जिनकी ये मारुति है। अगर आपको यहाँ पर मारुति चेक करवाई जाए ना, तो ये चेक करो, ये है फिलहाल यहाँ पे आर डी भाई की मारुति, क्या मस्त यहाँ पे ये लगती है। तो 2003 या 4 मॉडल है, तो आप ये प्रॉपर देख सकते हो सामने की ओर। यहाँ पे वाइट कलर के फ्लैशर्स इन्होंने लगवाए हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं एंड हेलोजन लाइट्स हैं। अगर क्लोज में जाऊँ ना तो यहाँ पे आपको DRLs भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये आफ्टर मार्केट वाली एसेसरी है सब। तो सामने से तो कुछ ऐसा सा इसका स्टैंडर्ड लुक रखा हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी हद तक जो है मारुति को डिफाइन करता है। बाकी अब वहीं पे अगर मैं टायर वाली साइड बात करूं, तो यहां से आप चेक कर ही सकते हो कि टायर की प्रोफाइल तो काफ़ी ज़्यादा बाहर यहां पे आपको देखने को मिलेगी बॉडी से, तो काफ़ी ज़बरदस्त फ़िलहाल तो यहां पे देखने में लग रही है। अब वहीं पे मैं ले चलता हूं साइड में, तो साइड से अगर आप इस गाड़ी को चेक करोगे ना, तो साइड से ही जो इसकी सही लुक है वो निखर के आती है यहाँ पर। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त यहाँ पर ये बना रखी है। प्लस अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो मेन हाईलाइट है इसका टायर्स, तो टायर्स आप यहाँ चेक कर सकते हो, ये कुछ इस टाइप के अलॉयज़ इन्होंने यहाँ पे डलवाए हुए हैं, तो ये ऑफ रोडिंग अलॉयज़ आते हैं। बाकी अगर टायर की बात करें तो JK टायर यहाँ पे इन्होंने डलवाया है, जिसकी प्रोफाइल 165/65R13 रहेगी। तो ये मारुति का सबसे बड़ा वाला टायर है जो इसमें यहाँ पे एडजस्ट कराया हुआ है, और अलॉयज़ के साथ साथ यहाँ पे स्पेसर्स लगाए गए हैं जिसकी वजह से टायर जो है थोड़ा ऐसे बाहर निकल के आता है अलग से। तो ये जो एक बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे लुक बनाता है गाड़ी की, एंड गाड़ी इसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो गई है, क्योंकि जब आप मोड़ काटते हो हाई स्पीड्स में तो ये बिल्कुल ग्रिप एकदम बढ़िया सी बना के रखती है, रोल ओवर के कोई भी इसमें चांसेस वगैरह नहीं रहते हैं। बाकी यहाँ पर जो है आर डी भाई ने फेंडर्स भी कटवाए थे, तो ये जैसे आप यहाँ देख सकते हो, तो आर डी भाई ने जो ले सीरीज़ की थी तो उसमें इन्होंने जो है फेंडर्स यहाँ पे कटवाए थे, क्योंकि ले में आपको पता ही है कि कितनी ज़्यादा हाई ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए होती है गाड़ियों को, कितनी ज़्यादा हाई ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए होती है गाड़ियों को। बाकी अगर फ्रंट के शॉकर्स की बात की जाए तो ये स्टॉक वाले ही हैं। बाकी रियर में अगर मैं बात करूँ तो रियर में जो है आर डी भाई ने यहाँ पे शॉकर्स अपग्रेड किए हुए हैं, तो स्प्रिंग्स जो हैं इसमें, स्प्रिंग्स एंड जो शॉकर्स हैं ये वर्सा और लैंसर गाड़ी के लगे हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा खुल जाते हैं ये, खासकर जब गाड़ी को मोड़ते हैं या कोई भी ऑफ रोडिंग वाली आप जो है जगह पर जाते हो या ऑफ रोडिंग करते हो, तो उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पर आपको जो है स्टेबिलिटी मिलती है गाड़ी में। बाकी अगर मैं रियर से यहाँ पे बात करूँ तो रियर प्रोफाइल भी आप चेक कर सकते हो गाड़ी की, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। बाकी पीछे की ओर यहाँ पे लाइट्स में भी आप देख सकते हैं कि DRLs यहाँ पे लगाए गए हैं, तो स्ट्रिप लाइट काइंड ऑफ यहाँ पे इन्होंने ऐड करवाई है जो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगती है जब रात में यहाँ पर लाइट वगैरह, ये आप देख ही सकते हो कितनी सही लग रही है। बाकी ये MPI Euro 2 मॉडल है, तो ये 5-speed गियर वाला मॉडल है। बाकी अंदर जाके उसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। पीछे की ओर ये कुछ आप चेक कर सकते हो, गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लिफ्ट करवाया हुआ है, तो नॉर्मल मारुति इतनी नहीं आती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे लिफ्ट करवाई हुई है, तो जिसकी वजह से बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर लुक आ रहा है। बाकी पीछे की आप ये थोड़ी बहुत चीज़ें चेक कर ही सकते हो, ये यहाँ पर एक साइलेंसर को एक्स्ट्रा यहाँ पर इन्होंने ऐड करवाया है, तो ये भी एक अच्छी लुक यहाँ पर बना रहा है। तो ये सब था एक्सटीरियर के बारे में, कैसा लगा आपको तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब अंदर की ओर चलते हैं। सो अब वहीं पे अगर गाड़ी के अंदर की बात की जाए तो ये कुछ आपको ओरिजिनल मारुति का यहाँ पे स्टेयरिंग देखने को मिलेगा जो 2-spoke वाला आता था। तो बाकी यहाँ पर मीटर भी बिल्कुल ओरिजिनल वगैरह यहाँ पर सब लगाया हुआ है, तो थोड़ी बहुत यहाँ पे एसेसरीज़ वगैरह लगाई गई हैं जिससे GoPro वगैरह हैंग कर सकें। तो अभी ना गाइस थोड़ा सा मतलब सीन हो गया था कि काफ़ी सारे जो लोग हैं वो वहाँ पे आ गए थे मारुति की ओर, तो आपको पता ही है कि जैसे अगर दिल्ली या UP वाली साइड अगर आप कभी आते हो, कहीं पे भी बाहर जाते हो, तो अकेले अगर आप हो तो अकेले में आपको जो है थोड़ा सा उनसे साइड हो जाना चाहिए, क्योंकि बंदों को कोई पता नहीं होता है, क्या पता किस इंटेंशन से कोई आ रहा है। तो इसलिए मैं वहाँ से हट के यहाँ पे आ गया, तो अब यहाँ पे प्रॉपर आपको मैं दिखाता हूँ।
तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसमें एसी है बट हीटर नहीं है, बाकी नीचे की और ये कुछ पायनीर का यहाँ पे सिस्टम लगा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, जिसके साथ JBL की बेइज्जती हुई है। एंड यहाँ पे नीचे जो है सोनी का एम्प आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी ये कुछ है पूरा सामने का मामला। ऊपर की बात करूँ तो ऊपर से भी बिल्कुल स्टॉक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। सीट्स में यहाँ पे काम हुआ है एंड सीट्स आप चेक कर सकते हो कितनी ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पे बनाई हुई है। ए क्लास सीट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी एंड ये ब्राउन शेड चॉकलेट शेड में आपको यहाँ पे ये मिल जाएंगी। पीछे की बात की जाए तो काफ़ी सारा सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है एंड पीछे में भी आप कुछ इस टाइप का सीट कवर्स यहाँ चेक कर सकते हो। तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे बनी हुई है एंड कंफर्टेबल काफ़ी ज़्यादा है ये। सेंटर में आर्मरेस्ट वगैरह भी यहाँ पे प्रॉपर रखा हुआ है एंड गियर के अराउंड भी यहाँ पे प्रॉपर हमने कवरिंग वगैरह प्रॉपर जो है RDY ने यहाँ पे कवरिंग वगैरह दी हुई है। तो गाड़ी तो एकदम बढ़िया है। बाकी ये जो सामने फ्लैशर चल रहा था उसके लिए स्विच था और बाकी सब तो बढ़िया है। तो ये है कंप्लीट गाड़ी। गाड़ी अंदर से सिंपल एंड सोबर है बट कंफर्ट पूरा बढ़िया वाला देती है। सीट्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है एंड अगर बाहर से बात की जाए तो ऑफ रोडिंग वीडियोज तो आपने इसकी देखी है कि कितनी ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्म करती है ये, तो उसमें तो कोई शक वाली बात है नहीं है। तो कैसी लगी आप लोगों को ये गाड़ी तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना एंड अगर कुछ और आप इस गाड़ी के बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको जो है और अच्छे से RDY से पूछ के बताऊंगा हर चीज़ के बारे में। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, बी कूल, बी हैप्पी एंड एन्जॉय योर लाइफ। Stand up. I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So want the real Slim.